आखिर क्यों ट्रेन के ज्यादातर डिब्बों का रंग होता है नीला और पकाने से पहले क्यों धोए जाते हैं चावल? क्या होती है मॉक शादी जिसमें दूल्हा दुल्हन और बाराती सब होते हैं नकली? और बियर के गिलास पे जाते ही डांस क्यों करने लगती है मूंगफली? आखिर क्यों किया जाता है ऐसा टेस्ट? और ये है दुनिया की सबसे कम उम्र की पायलट, 52 देशों में घूमकर बना चुकी हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, गर्मी के सीजन में शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आता है, जबकि बाहर के गर्म तापमान से त्वचा के झुलस जाने का खतरा भी बना रहता है। आपने कभी न कभी ये नोटिस किया होगा कि गर्मी के मौसम में थकान ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से बार बार नींद आती है। आपको बता दें कि गर्मी में इस तरह की थकान को महसूस करना समर फटीग कहलाता है, जो अलग अलग वजहों से फील होता है। अगर कोई इंसान धूप में ज्यादा देर तक रहता है तो इससे मेलाटोनिन हार्मोन प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति को ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। इसके अलावा गर्मी में पसीना बहुत आता है, जो हमारी बॉडी में पानी की कमी कर देता है। अगर इंसान समय समय पर पानी नहीं पीता है तो वो समर फटीग का शिकार हो जाता है। पानी की कमी की वजह से शरीर थका हुआ महसूस करता है और बार बार नींद का अनुभव होता है, जबकि भारी भरकम खाना खाने की वजह से भी इस तरह की समस्या होती है। जरूरी है कि गर्मी के सीजन में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों को पिया जाए, जबकि तली भुनी चीजों और अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। इस तरह आप अपने आप को समर फटीग से बचा सकते हैं, जिससे नींद और थकान का एहसास कम होता है। फैक्ट नंबर 2, भारत के राजस्थान में गर्मी के सीजन में पारा सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूख जाते हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है जहाँ 800 साल पुराना तालाब है और वो आज तक एक बार भी नहीं सूखा है। दरअसल जोरावर गांव में गिरावंडी नाम का एक तालाब है, जिसे 800 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था। इस तालाब का पानी तेज गर्मी में भी सूखता नहीं है, जबकि तालाब के शुद्ध पानी में 5 तरह की बतख रहती हैं। ये तालाब 52 बीघा जमीन में फैला हुआ है, जिसमें बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है। ये तालाब काली, सफेद, पीली, गुलाबी और भूरे रंग की बतखों का घर बन चुका है, जिन्हें देखने के लिए नागौर के अलग अलग गाँवों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, गिरावंडी तालाब को गांव का ऑक्सीजन हब भी माना जाता है, जिसके आसपास सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये पेड़ पौधे गांव वालों को शुद्ध और साफ ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इनकी वजह से गांव और तालाब के आसपास का तापमान भी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से भयानक गर्मी पड़ने की स्थिति में भी तालाब का पानी सूखता नहीं है और गांव वालों को पीने के पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, जहां एक तरफ भारत समेत ज्यादातर देशों में बाइक या कार चलाने के लिए चालक की उम्र 18 साल और लाइसेंस होना अनिवार्य होता है, वहीं ब्रिटेन की एक लड़की ने 17 साल की उम्र में पायलट बनने का अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इस लड़की का नाम मैक रदरफोर्ड है, जिसकी उम्र 17 साल है और वो पेशे से एक पायलट हैं। इतना ही नहीं, मैक ने 17 साल की उम्र में 52 देशों की यात्रा भी कर ली है, जिसमें उन्हें सिर्फ 5 महीने का वक्त लगा है। इस तरह मैक रदरफोर्ड ने 17 साल की उम्र में प्लेन उड़ाकर और सोलो ट्रैवल करके एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र पायलट का दर्जा दिया गया है। मैक से पहले उनकी बड़ी बहन जारा रदरफोर्ड ने साल 2022 में 19 साल की उम्र में प्लेन उड़ाकर सबको हैरान कर दिया था, जिससे इंस्पायर्ड होकर मैक ने भी सिंगल इंजन वाला प्लेन उड़ाना शुरू किया और 5 महीने के अंदर 52 देशों की यात्रा पूरी कर ली। मैक ने 23 मार्च 2022 को बुल्गारिया से अपने हवाई सफर की शुरुआत की थी, जिसके तहत उन्होंने 52 देशों की यात्रा की और फिर 24 अगस्त 2022 को वापस बुल्गारिया के सोफिया शहर में लैंडिंग की थी। मैक रदरफोर्ड की इस कामयाबी से हर कोई हैरान है, जबकि इस हौसले से भरी लड़की का कहना है कि वो आगे भी इस तरह की हवाई यात्रा को जारी रखेगी। फैक्ट नंबर 4, हर देश में शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिनका धार्मिक और सामाजिक महत्व होता है। बीते कुछ सालों में विभिन्न तरह की शादियां अस्तित्व में आ रही हैं, जिनमें से एक
मॉक शादी है। इस तरह की शादी में ना तो दूल्हा असली होता है और ना ही दुल्हन। यहाँ तक कि शादी में शामिल होने वाले मेहमान भी नकली होते हैं। अमेरिका के कोलंबिया, ओरेगॉन, न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे राज्यों में मॉक शादी का चलन बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है, जिसमें मॉक का अर्थ नकली शादी होता है। इस शादी में कॉलेज स्टूडेंट्स दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार होते हैं, जबकि उनके साथी मेहमान बनकर शादी में जमकर नाच गाना करते हैं। मॉक शादी में खाने पीने का भी पूरा इंतजाम होता है, जबकि सभी रस्मों को भी अच्छी तरह से निभाया जाता है। लेकिन शादी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं, जबकि दूल्हा दुल्हन बनने वाले स्टूडेंट्स भी अलग हो जाते हैं। इस शादी के लिए उन लोगों को दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है जो असल जिंदगी में एक दूसरे को जानते तक नहीं है। मॉक शादी के लिए हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता है, जिसमें हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग काम करवाए जाते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दूल्हे दुल्हन और मेहमानों को सिलेक्ट किया जाता है। अमेरिका के स्टूडेंट्स का मानना है कि इस तरह की शादी में किसी तरह का सामाजिक या पारिवारिक दबाव नहीं होता है, जबकि कपल्स शादी के बंधन में बंधने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। मॉक शादी से स्टूडेंट्स को अपना स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है, जबकि इसे दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से दोस्ती बढ़ाने का बेहतर तरीका भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में बियर पीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो शादी पार्टी में एंजॉय करने के साथ साथ अपना गम भुलाने के लिए भी बियर को पीते हैं। जिन लोगों के लिए बियर सबसे अहम होती है, उन्हें बियर का स्वाद बहुत अच्छी तरह से पता होता है। हालांकि आज के दौर में बियर में भी मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से उसकी शुद्धता का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मूंगफली के दाने से बियर की शुद्धता का पता लगा सकते हैं, क्योंकि असली बियर में मूंगफली डांस करने लगती है। दरअसल बियर के ग्लास में मूंगफली डालने पर वो सतह पर इधर उधर भागने लगती है, जिसे मूंगफली डांस कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बियर के ग्लास में कार्बन डाइऑक्साइड के ढेर सारे बुलबुले बनते हैं, जो बियर की ऊपरी सतह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अगर बियर के ग्लास में मूंगफली डाल दी जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से इधर उधर भागने लगती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मूंगफली डांस कर रही है। ये मूंगफली डांस तब तक चलता रहता है जब तक बियर के ग्लास से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। यही गैस बियर की शुद्धता का पता लगाने में मददगार साबित होती है, क्योंकि नकली बियर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और बियर को ग्लास में डालने पर वो जल्दी खत्म हो जाती है। अगर नकली बियर में मूंगफली को डाला जाएगा तो वो डांस करने के बजाय उसमें डूब जाएगी या फिर सतह पर तैरने लगेगी। वहीं असली बियर में मूंगफली डालने पर वो डांस करने लगती है, जिससे उसकी शुद्धता का पता चलता है। फैक्ट नंबर 6, भारतीय ट्रेन को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य, स्लीपर क्लास और एसी कोच वाली ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिसमें फुल एसी ट्रेन के डिब्बों का रंग लाल होता है। वहीं भारत में चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों के डिब्बे का रंग नीला होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोच का रंग नीला ही क्यों होता है? दरअसल ट्रेन में लगे इन नीले डब्बों को इंटीग्रल कोच कहा जाता है, जिन्हें तमिलनाडु के चेन्नई शहर पेरम्बूर में बनाकर तैयार किया जाता है। इन नीले कोच वाली ट्रेनों की औसत रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिन्हें बनाने का मकसद ट्रेन की स्पीड बताना होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों की रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है और नीला रंग तेज धूप में आंखों को नहीं चुभता है। वहीं लाल रंग के कोच एसी ट्रेन में लगे होते हैं, जिन्हें साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था। लेकिन आज के समय में कपूरथला पंजाब में बनाए जाने वाले इन लाल डिब्बों को लिंक हॉफमैन बुश कहा जाता है, जो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और लोहे से बने नीले कोच के मुकाबले वजन में हल्के होते हैं। लाल डिब्बों वाली ट्रेन की रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। इसी तरह भारत में भूरे और हरे रंग के डिब्बों वाली ट्रेन भी दौड़ती है, जिन्हें मीटर गेज ट्रेन और गरीब रथ के नाम से जाना जाता है। इन ट्रेनों का विभिन्न रंग उनकी स्पीड को दर्शाता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा नीले रंग के कोच वाली ट्रेन ही दौड़ती है। फैक्ट नंबर 7, एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में चावल
खाने का अहम हिस्सा माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। चावल को पकाने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चावल में स्टार्च की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसे कम करने के लिए उसे पकाने से पहले धोया जाता है। अगर चावल को बिना धोए सीधा पका दिया जाएगा तो उसमें स्टार्च खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाएगा और बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। इस स्टार्च की वजह से चावल में चिपचिपापन भी आता है और अगर चावल को बिना धोए पका लिया जाएगा तो वो खिले खिले बनने के बजाय चिपचिप बन जाएंगे। वर्तमान समय में चावल की चमक बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह की चीजों की मिलावट की जाती है, जिससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा चावल के ऊपर उस मिलावट की परत को हटाने के लिए पकाने से पहले चावल को पानी से धोया जाता है, जबकि धान से निकलने वाले चावल को प्रोसेस करने के बाद उसे फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचने में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इस दौरान चावल अलग अलग लोगों और मशीनों के संपर्क में आता है, जिसे बिना धोए पकाकर खाने से खतरनाक बीमारी हो सकती है। यही वजह है कि विभिन्न देशों में चावल को पकाने से पहले धोया जाता है। हालांकि जो लोग खुद चावल की खेती करते हैं और घर में उसे पकाकर खाते हैं, वो कुछ विशेष तरह की डिशेस के लिए चावल को नहीं धोते हैं, क्योंकि उसमें माड़ की वजह से चिपचिपापन होना जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।